ट्रैफिक पुलिसकर्मी खुलेआम वर्दी में पी रहे शराब। हाथरस सूबे के डीजीपी ओपी सिंह पुलिस की छवि सुधारने के लिए रात दिन प्रयासरत हैं और निरंतर कार्य भी कर रहे हैं, मगर उनके अधीनस्थ पुलिसकर्मी पुलिस की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले का है। यहाँ यातायात पुलिसकर्मी दुकान में खुलेआम बैठकर शराब पी रहे हैं। इन्हें वर्दी की भी शर्म नहीं है, जिस पुलिस पर लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है वही खुलेआम शराबी है, तो स्थिति क्या होगी। हाथरस के तालाब चौराहे पर यातायात व्यवस्था को सही करने के लिए लगे पुलिसकर्मी पास के ही एक दुकान में बैठकर खुलेआम वर्दी में शराब पी रहे हैं। पहले भी कई वीडियो चुकी है वायरल। जिले में पुलिसकर्मियों के शराब पीते वीडियो वायरल होने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जिले में कई पुलिसकर्मियों की शराब पीते वीडियो सामने आई है। इसमें पूर्व में कुछ पुलिसकर्मियों को तत्कालीन एसपी सुशील घोले ने निलंबित भी किया था। वीडियो वायरल होते ही पुलिसकर्मियों में मची खलबली। हाथरस में एक दुकान के अंदर शराब पीते हुए इन तीनों पुलिसकर्मियों के वीडियो वायरल होते ही अन्य पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है और वीडियो चर्चा का विषय बन गया। बताते हैं कि इन पुलिसकर्मियों में एक पुलिसकर्मी हाथरस में तैनात है, जबकि दो अलीगढ़ जिले में तैनात बताए जा रहे हैं। एसपी ने सीओ सिटी को दिए जांच के आदेश। पुलिसकर्मियों के शराब पीने की वीडियो वायरल होने पर एसपी जयप्रकाश ने सीओ सिटी सुमन कनौजिया को जांच के आदेश दे दिए हैं। अब देखना होगा कि इन शराबी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्यवाही होती है।